In this video, we're going to discuss the chapter of matrices from NCERT, exercise number 3.2. We'll be discussing question number 3, first part, which will show you how we, you know, take the product of two particular matrices. The matrices given are A, B, minus B and A. And the second matrix in product is A minus B and then BA. Now, as we have covered in theory part, that the matrix multiplication is done by row into column method. So what I'm going to do, I'm going to take the first row of the first matrix, going to bump it into the first column of second matrix. तो इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा, यानी कि ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो फाइनल आंसर भी 2 क्रॉस 2 होगा. a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये हो गया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया. फिर इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आएगा. इसको इसमें बंप करो, a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए. ठीक है, अब इसको उठाओ, इसमें मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये रही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, और फिर ये रो इस कॉलम में, यानी कि सेकेंड इंटू सेकेंड, सो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए. अब तो कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस ए बी प्लस ए बी, दिस इज माइनस ए बी प्लस ए बी, एंड दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो द फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द आंसर. किस टाइप का मैट्रिक्स बन गया बेटा ये, जिसके प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट सेम हैं और ये सारे जीरो हैं. दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स. ओके, नोट इट डाउन. नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 ओवर हियर, विच इज अगेन बेस्ड ऑन योर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. दे आर सेइंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 6 इंटू आई, विच इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इफ ए इज अ मैट्रिक्स विच इज गिवन एज 201, सेकेंड रो इज 213, थर्ड रो इज 1 minus 1 0, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस ही बात है, हम ए स्क्वायर निकालेंगे, 5 इंटू ए, यानी कि ए का हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू आई, और उन दोनों को ऐड कर देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड ए स्क्वायर, विच इज ए इंटू ए, विच इज 201 213 1 minus 1 0 इंटू अगेन 201 213 1 minus 1 0. तो थोड़ा स्पीड अप करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन को. इसको जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 4 plus 1 5, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 plus 0 minus 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 plus 0 plus 0, सो अल्टीमेटली 2 ही आ गया. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4 plus 2 6 plus 3 9, देन वी हैव सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 फिर 1 फिर -3, तो -2. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 plus 3 5, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 फिर -2 फिर 0, तो 0 आ जाएगा. फिर यहाँ पे आएगा 0 minus 1 0, तो -1 आ जाएगा. फिर आएगा इसको इसके साथ 1 minus 3 minus 2, तो ये आ गया ए स्क्वायर. Now, we have to calculate the value of a square minus 5a plus 6i. तो a square की value तो हम यहीं से उठा लेंगे. 5 minus 1, 2, 9 minus 2, 5, 0 minus 1, minus 2, ये a square हो गया. फिर minus 5a है, a ऊपर लिखा हुआ है. 5 into 201, 213, 1 minus 1, 0. प्लस 6 इंटू आई, तो आई होता है 100 010 001. ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली करना है पूरे लॉन्ग प्रोसीजर से. तो 5 minus 10 plus 6, यहाँ पे होगा -1 plus 0, तो -1.
यहाँ पे अगर 2 - 5 + 0 तो 2 - 5, दिस इज द फर्स्ट रो राइट। सेकेंड रो में होगा 9 - 10 + 0 तो 9 - 10, इसमें होगा -2 - 5 + 6, फिर यहाँ पे होगा 5 - 15। नेक्स्ट 0 - 5, यहाँ पे होगा -1 + 5, यहाँ पे होगा -2 + 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 - 10 = 1, -1 - 3, -1 - 1 - 10, -5 + 4 + 4, okay, so that's the answer for your question, okay, please note it down.